नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के सोनीपत से पकड़े गए चार खालिस्तानी आरोपियों में से दो आतंकवादियों को पंचकुला में स्थित हरियाणा के विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कुछ दिन पहले सोनीपत के गांव से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था और इनसे एक AK-47, 5 विदेशी पिस्टल और अन्य जाली दस्तावेज बरामद किए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनीपत CIA की टीम दोनों खालिस्तानी आरोपियों सागर और सुनील को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर खत्म होने के बाद पंचकुला स्थित NIA की विशेष अदालत में पेश करने पहुंची। यहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोनीपत CIA 1 के इंचार्ज विजेंद्र सिंह ने बताया कि सोनीपत जिले में खालिस्तानी में संबंधित कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे और इनसे AK-47, 5 विदेशी हथियार बरामद किए गए थे। इस मामले में दोनों खालिस्तानी आरोपियों को NIA की विशेष अदालत में पेश किया गया और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। CIA इंचार्ज ने बताया कि NIA की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था और इस मामले में जांच चल रही है। अभी इस बारे में कई लोगों से पूछताछ की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इनके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से भी लिंक है और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पंचकूला से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। जी सर, आज सोनीपत से दो खालिस्तानी जो हैं आतंकवादी उनको लेके आए हैं, क्या था ये मामला और क्या आज कार्रवाई रही? ये सोनीपत जिले में कुछ खालिस्तान से संबंधित कुछ लोग अरेस्ट हुए थे, उनसे कुछ AK-47 वगैरह कुछ बरामद हुई थी वेपन्स। इस बारे में 12 दिन के रिमांड के बाद हमने दो आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया है, इनको जुडिशल भेज रहे हैं। तो NIA कोर्ट में पेश किया गया, क्या कार्रवाई रही सर? जी स्पेशल कोर्ट है, वो हमारी स्पेशल इसी एक्ट के लिए कोर्ट बनी हुई है, इसीलिए हमने पेश किया इसमें। तो सर ये भी जानकारी मिल रही है कुछ लोगों को आप पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर भी लेके आएंगे इस मामले? जी वो मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी उसमें सब होगा सभी काम किया गया। तो अभी तक सर क्या क्या इनसे मिल पाया है, कुछ और तार जुड़े हैं इनसे? AK-47 बरामद हुई है, 5 पिस्टल बरामद हुए हैं। इनके कोई लिंक्स वगैरह भी? हाँ, इनके विदेशी कुछ हैंडलर से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से लिंक कनेक्ट हुए हैं, बाकी उन पे काम कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।